अब गाइस देखते हैं क्वेश्चन 8 का क्या रहा है हमारा। कह रहा है कि अ स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ द पेडेस्टल। कह रहा है कि एक ना, जैसे आपको पता होगा कि जब कोई हमारा कोई स्टैचू होता है ना, जैसे कोई स्टैचू है हमारा, ठीक है, ये हमारा कोई स्टैचू मान लो, ठीक है, कोई भी जो हमारा स्टैचू होता है वो किसी मार्बल पे खड़ा होता है, फिर उसके नीचे मार्बल होता है, फिर उस पर स्टैचू खड़ा होता है, उसको मार्बल को पेडिस्टल कह रहे हैं। ठीक है, कह रहे हैं कोई मार्बल है, मार्बल पे कोई मार्बल को हम पेडिस्टल कह रहे हैं, ठीक है, ये पेडिस्टल है, पेडिस्टल है ये। तो कह रहे हैं उस पर कोई स्टैचू खड़ा है जो है 1.6 मीटर टॉल, ठीक है, स्टैचू की हाइट जो है 1.6 मीटर टॉल है ये, ठीक है, ये हमारा स्टैचू है, ठीक है, 1.6 मीटर टॉल। कह रहा है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ये हमारा ग्राउंड चल रहा है सारा, कह रहा है कोई पॉइंट है ग्राउंड पे, उससे जो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है ना स्टैचू के टॉप पे, ये स्टैचू का टॉप है, ठीक है, स्टैचू के टॉप पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो बन रहा है 60 डिग्री, ठीक है। फिर कह रहा है एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, इसी पॉइंट से कह रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडिस्टल, पेडिस्टल का टॉप क्या है ये, यार इस पे जो एंगल बन रहा है हमारा वो बन रहा है कितना बन रहा है 45 डिग्री, ठीक है, तो ये एंगल 45 डिग्री बन रहा है। तो कह रहा है निकालो कि फाइंड द हाइट ऑफ पेडिस्टल, मतलब हमें ये निकालना है, इसको मैं एक्स मान लेता हूँ, जो मुझे निकालना है हाइट ऑफ पेडिस्टल हमारा ये है ना, तो इसको एक्स मान लेता हूँ, और इस वाली चीज को मैं वाई मान लेता हूँ, ठीक है, इसको सबको नाम दे देता हूँ ए बी और ये सी, ठीक है। अब देखो ये कैसे करूँगा मैं, अब मुझे इसमें मैंने सोचा कि मुझे जब भी ट्रायंगल में एक साइड और एक एंगल दिया होता है तब मैं निकाल लेता हूँ कोई भी साइड, पर अब इस छोटे वाले ट्रायंगल में देखो ये वाली साइड भी नहीं दी हुई मुझे, ये वाली साइड भी नहीं दी हुई, बस एंगल ही दिया हुआ, ठीक है। अब बड़े वाले ट्रायंगल में देखो, बड़े वाले ट्रायंगल में भी हमें कोई साइड, ये वाली साइड तो आधी दी हुई 1.6 मीटर, नीचे वाली तो दी नहीं हुई, पर हमें ये भी नहीं दिया हुआ। तो मैं दिखाता हूँ अब ये क्वेश्चन कैसे करेंगे। अब देखो इसमें सबसे पहले मैं ना बड़ा वाला ट्रायंगल लेता हूँ, ये आप सबसे कोई भी ले सकते हो, पहले सबसे पहले चलो छोटा ले लेता हूँ मैं, ये ए बी सी हो गया, इसको पॉइंट को डी मान लेता हूँ मैं, ठीक है। तो इन ट्रायंगल डी बी सी में, इन ट्रायंगल डी बी सी देखो हमारा एक्स और वाई में रिलेशन निकाल रहा हूँ, एक्स और वाई में, एक्स क्या है हमारा परपेंडिकुलर, वाई क्या है हमारा बेस, तो परपेंडिकुलर और बेस क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस हमारा टेन थीटा होता है, तो टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर क्या है हमारा एक्स और अपॉन में बेस क्या है हमारा वाई, ठीक है, और थीटा क्या है हमारा 45 डिग्री, छोटे वाले ट्रायंगल में थीटा हमारा 45 डिग्री है, तो 10 इसको लिख दूंगा 10 45 इज इक्वल टू एक्स बाय वाई, ठीक है। तो 10 45 क्या होता है, 10 45 देखो हमारा 1 होता है, 10 45 1 है, ठीक है, तो 10 45 की वैल्यू 1 है, तो उसकी जगह 1 लिख दूंगा मैं, 1 इज इक्वल टू एक्स बाय वाई, ठीक है। तो ये वाई को ऊपर ले जाऊंगा तो क्या आ गया हमारा, एक्स इज इक्वल टू वाई आ गया, वाई को इस साइड ले जाऊंगा तो एक्स इज इक्वल टू वाई नहीं आ गया, ऐसे ये आ जाएगा ना, देखो वाई को जब ऊपर ले जाऊंगा तो वाई इज इक्वल टू एक्स आ जाएगा, तो एक्स इज इक्वल टू वाई लिखूंगा, वाई इज इक्वल टू एक्स लिखूं तो एक ही बात है, तो मैं एक्स इज इक्वल टू वाई लिख रहा तो मैं कोई अच्छा लग रहा, ठीक है, तो एक्स इज इक्वल टू वाई आ गया। अब देखो बड़ा वाला ट्रायंगल देखो, बड़े वाला ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, बड़े वाले ट्रायंगल में ये वाली साइड लो और ये वाली साइड लो, ठीक है, बड़ी वाली ये वाली साइड क्या है हमारा परपेंडिकुलर, ये वाली साइड क्या है हमारा बेस, ठीक है, तो परपेंडिकुलर बेस में वही वाला टेन थीटा का फॉर्मूला होता है, टेन थीटा इज इक्वल टू, तो टेन बड़े वाले ट्रायंगल में टेन थीटा इज इक्वल टू थीटा क्या है हमारा 60 डिग्री, बड़े वाले ट्रायंगल में तो ये वाला एंगल है ना 60 डिग्री, ठीक है, तो टेन 60 डिग्री क्या हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर क्या है हमारा ये वाला, बेस क्या हमारा ये वाला, तो परपेंडिकुलर क्या है हमारा 1.6 ये वाला प्लस एक्स, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस लिखा मैंने, तो परपेंडिकुलर क्या है हमारा, परपेंडिकुलर तो ये पूरी साइड है ना, तो ये क्या है इतनी साइड 1.6 प्लस ये वाली एक्स, तो 1.6 प्लस एक्स अपॉन में बेस क्या है हमारा, बेस वही है वाई, वैसे वैसी, तो 1060 की वैल्यू क्या है, 1060 की वैल्यू मुझे पता है रूट थ्री होती है, चाहे तो आप ये देख लो, ठीक है, 1060 की वैल्यू रूट थ्री, ये बिल्कुल लर्न होनी चाहिए गाइस, ठीक है ना, तो 1060 की वैल्यू रूट थ्री इज इक्वल टू 1.6 प्लस एक्स अपॉन में वाई, ठीक है, तब इस वाई को ऊपर ले जाऊंगा मैं तो क्या आ जाएगा हमारा रूट थ्री वाई इज इक्वल टू 1.6 प्लस एक्स, ठीक है, इतना आ गया मेरा। अब वेरिएबल वेरिएबल वाली टर्म है ना, तो उसको एक्स साइड कर लेता हूँ मैं, वाई हमारा वेरिएबल है, एक्स हमारा वेरिएबल है, तो एक्स को भी इधर ले आता हूँ, तो क्या आ जाएगा
रूट थ्री वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू 1.6। अब देखो गाइस, हमारा एक्स और वाई तो इक्वल है, हमारा हमने भी निकाला था एक्स और वाई इक्वल आया था फर्स्ट इक्वेशन से, इसको फर्स्ट मान लेता हूँ, तो वाई की जगह मैं एक्स लिख लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो पुट पुट एक्स इज इक्वल टू वाई फ्रॉम फर्स्ट, तो वाई की जगह मैं एक्स लिख दूंगा तो क्या आ जाएगा, एक्स इक्वल टू वाई लिखो या वाई इक्वल टू एक्स लिखो एक ही बात है। ठीक है, किसी भी जगह कुछ भी बदल लो, चाहे एक्स की जगह वाई डाल दो चाहे वाई की जगह एक्स डाल दो, तो मैं एक्स वाई की जगह एक्स डाल देता हूँ, मुझे ईजी लग रहा है। रूट थ्री एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू 1.6। ठीक है, तो ये कितना आ गया, ये एक्स है ये भी एक्स है, तो एक्स कॉमन ले लूंगा मैं, एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू रूट थ्री माइनस वन, ये कॉमन ले लिया, इज इक्वल टू 1.6 आ गया। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स इज इक्वल टू 1.6 बाय रूट थ्री माइनस वन, ये वाली टर्म नीचे आ जाएगी ना इसके। अब देखो गाइस, मैंने आपको बताया था कभी भी ना रूट नीचे नहीं लिखते, तो जैसे अब हमारा ये होता था 2 बाय रूट 3 होता था, तो मैं क्या करता था, इसको ऐसे रैशनलाइज कर देता था, रूट थ्री बाय रूट थ्री ऐसे लिख देता था, ये वाली टर्म को ऐसे का ऐसी इससे डिवाइड करके लिख देता था। पर जब भी ऐसे हो हमारा रूट थ्री माइनस वन या रूट थ्री माइनस टू या रूट थ्री माइनस थ्री, जैसे ये होता हमारा 2 बाय रूट 3 माइनस 7 होता, ठीक है, तो मैं क्या कर, अब इसको रैशनलाइज कैसे करेंगे, इन टू में ये वाली टर्म ऐसे कैसे लिखेंगे, रूट थ्री और बस जो बीच वाला साइन है ना, इसमें माइनस था तो यहाँ प्लस हो जाएगा 7 अपॉन में, ये भी ऐसे √3 + 7। ठीक है, बस ये वाला टर्म नीचे से ये वाली टर्म बदल जाती है, माइनस की जगह प्लस आ जाता है ऊपर नीचे, ये हम ऐसे कैसे लिख देते हैं। अब ये रूट थ्री माइनस वन है, इसकी जगह क्या लिखूंगा, √3 + 1 अपॉन में √3 + 1, दैट्स इट। ठीक है, अब ये हमारा रैशनलाइज हो गया। अब देखो इसको मैं सॉल्व कर दूंगा, इससे हमारा क्या आ जाएगा, 1.6 इंटू में ऊपर वाली टर्म ऐसे कैसी, 1.6 इंटू में √3 + 1 वो ऐसे कैसी, ठीक है, अपॉन में, अब देखो गाइस √3 - 1 इंटू में √3 + 1। ठीक है, अब गाइस आपको एक फॉर्मूला पता होगा, देखो एक फॉर्मूला होता है a+b इंटू में a-b, हम 9th में पढ़ते थे फॉर्मूला, a+b इंटू में a-b कितना होता है, a² - b², ये मुझे फॉर्मूला पता है। ठीक है, अब ऐसे ही इधर देखो, इधर हमारा ये है √3 हमारा a हो गया, a-b और इंटू में a+b, ठीक है, यही तो हमने लिखना है यहाँ पे, √3 - 1 इंटू में √3 + 1। ठीक है, तो ये a-b इंटू में a+b, ये वाला फॉर्मूला मतलब हमारा a-b इंटू में a+b इज इक्वल टू a² - b², तो इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा, 1.6 इंटू में √3 + 1 अपॉन में a² - b² तो ये क्या है हमारा √3, √3 का स्क्वायर क्या होगा, √3 इंटू में √3 3 होता है, 3 - 1, मतलब ये होगा ना, देखो √3 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर, √3 की जगह क्या होता है, √3 इंटू में √3 3 होगा, 3 - 1। ठीक है, तो ये कितना आ गया हमारा 2, तो ये कितना आ गया 1.6 इंटू में √3 + 1 अपॉन में 3 - 1 हो जाएगा 2। ठीक है, अब ये 1.6 है, तो ये डेसिमल अगर मैं हटाऊंगा तो नीचे आ जाएगा 10। ठीक है, तो ये 2 से 16 को काटूंगा तो कितना आ जाएगा, 2 8 जा, तो ये कितना आ गया, 8 इंटू में √3 + 1 अपॉन में 10, तो 8/10 कितना हो जाएगा, 0.8, 0.8 इंटू में √3 + 1 हमारा आंसर। ठीक है, तो ये हमारा आंसर, यही हमें एक्स की वैल्यू तो निकालनी थी, ये एक्स की वैल्यू है हमारी, देखो एक्स ही लेके चल रहे थे, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, सारा एक्स ही आ रहा है, एक्स की वैल्यू तो हम निकाल रहे हैं यहाँ से, तो एक्स की वैल्यू हमें निकालनी है, निकालना, फाइंड द हाइट ऑफ पेडिस्टल, ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ पेडिस्टल। ठीक है, ये हमारा पेडिस्टल, तो एक्स की वैल्यू आ गई हमारी, दैट्स इट। ठीक है,